दोस्तों आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस YouTube चैनल में, जिसमें आज के इस एपिसोड में हम एशिया के सबसे मॉडर्न देश के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर का अर्थ होता है शेरों की भूमि। वर्ल्ड में सिंगापुर के लोग सबसे तेज पैदल चलते हैं। वैसे तो यह शेरों की भूमि है, पर असल में यहाँ एक भी शेर देखने को नहीं मिलता। इस देश को सबसे ज्यादा यहाँ की खूबसूरती और बिजनेस सेंटर के लिए जाना जाता है। दोस्तों सिंगापुर की कुल जनसंख्या तकरीबन 60 लाख है, लेकिन यह इतना साफ और सुंदर है कि यहाँ हर साल आबादी से 2 गुना लोग सिर्फ घूमने आ जाते हैं। यह कंट्री दुनिया के अमीर देशों में गिनी जाती है और यह देश रहने के लिए काफी महंगा भी है। यहाँ पर रहने वाला हर छठा व्यक्ति मिलीनियर होता है। दोस्तों यहाँ पर हर चीज तरक्की कर रही है, बस एक चीज को छोड़कर, और वो है जनसंख्या। बल्कि हालात तो ये हैं, पॉपुलेशन बढ़ने की जगह घटती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ की सरकार काफी चिंतित रहती है। और इसके लिए सिंगापुर की सरकार अपने कर्मचारियों को 1 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी भी देती है, ताकि पत्नी पति मिलकर बच्चा पैदा करने की प्लानिंग कर सकें। दोस्तों सिंगापुर के साथ साथ मिशिगन में एक जगह है जो अपने आप में ही भूतिया स्थानों में से एक है। उस जगह का नाम भी सिंगापुर ही है। अधिकांश लोग अपने जीवन में चिड़ियाघर जरूर जाते हैं, लेकिन नॉर्मली दुनिया के सभी चिड़ियाघर दिन के समय खुलते हैं। सिंगापुर का द नाइट सफारी चिड़ियाघर इस पूरी दुनिया का पहला ऐसा चिड़ियाघर है जो दिन के साथ रात में भी आने जाने वालों के लिए खुला रहता है। इस देश में पानी मलेशिया से, दूध फल सब्जियां न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से, दाल चावल और अन्य दैनिक उपयोग की चीजें थाईलैंड और इंडोनेशिया से आयात करी जाती हैं। दोस्तों यहां पर अश्लील मूवीज देखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। इसी के साथ ही यहां पर सड़कों पर कचरा फैलाना, अपने घर के बाहर आधे नंगे होकर खड़ा होना या फिर बाहर अर्ध नग्न होकर अंग प्रदर्शन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साल 2007 में ही इस देश ने ओरल सेक्स को भी बैन कर दिया था। इसके अलावा यह कंट्री उन देशों में गिनी जाती है जहां गे मैरिज गैर कानूनी मानी जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे एक लाइक करें। सिंगापुर 63 छोटे बड़े आइलैंड्स को मिलाकर बना है। अगर इस देश का एरिया देखा जाए तो यह काफी कम है, जो कि भारत से लगभग 4400 गुना छोटा है। इस देश का क्षेत्रफल महज 728 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही फैला हुआ है। दोस्तों सिंगापुर इस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो आजाद ही नहीं होना चाहता था, बल्कि इसे तो जबरदस्ती मलेशिया से अलग कर दिया गया, जबकि सिंगापुर के लोग मलेशिया के साथ ही मिलकर रहना चाहते हैं। सन 1965 में मलेशिया ने अपने आप सिंगापुर को स्वतंत्र कर दिया था। दोस्तों इस देश को पूरे वर्ल्ड में पेनल्टी कंट्री यानी जुर्माने के देश के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ पर छोटी छोटी चीजों पर इंसानों पर जुर्माने का प्रावधान है। अगर यहाँ कोई व्यक्ति सिर्फ सड़क पर थूकता हुआ पकड़ा गया तो उसको पूरे $1,000 यानी ₹74,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही अगर यहाँ पब्लिक प्लेस के टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद फ्लश नहीं किया तो इसके लिए भी फाइन है। शायद आपको ना पता हो, मोनाको और वेटिकन सिटी के बाद सिंगापुर तीसरा ऐसा देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं, क्योंकि सिंगापुर अपने आप में ही कंट्री और सिटी दोनों मानी जाती है। इस देश की कोई भी बिल्डिंग 280 मीटर से ज्यादा ऊंची नहीं हो सकती। इस हाइट की अभी यहाँ 3 बिल्डिंग्स मौजूद हैं। इसी के साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन मेड फाउंटेन भी सिंगापुर में ही देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ की सेंटेक्स सिटी में है। इसे 1997 में बनाया गया था और इसे बनवाने में ही $6 मिलियन खर्च हो गए थे। मौत की सजा सुनाने में भी सिंगापुर आगे है, लेकिन यहाँ मौत की सजा ड्रग डील केस के मामलों में दी जाती है। सिंगापुर में एक बात और हैरान करने वाली है कि यहाँ पर आधी आबादी का जन्मदिन अक्टूबर के महीने में ही आता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ली और लिम सरनेम इस्तेमाल होते हैं। सिंगापुर में बनाई जाने वाली चिली क्रैब डिश इस दुनिया की 7वीं सबसे लजीज डिश मानी जाती है। यहाँ पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश इलेक्शन में वोट कर सकता है।
तो दोस्तों, अगर आपको सिंगापुर का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाली सभी नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।